सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को लेकर। रेलवे यहां पर लगातार IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और IRCTC वेबसाइट को अपडेट कर रहा है ताकि आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सके। तो फिर से यहां पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपडेट कर दिया गया है, जिससे आप लोग इजीली तरीके से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा था, वो भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो चुका है। तो एक अपडेट क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से आपको अपडेट कर लेना है, यदि अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो। अपडेट करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। फटाफट मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, इसके बाद कैप्चर फिल कर लेता हूँ पे क्लिक करना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ से बस टिकट बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पे जो अपडेट किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देख सकते हैं, एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, बायोमेट्रिक्स। सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑन करके बायोमेट्रिक इनेबल कर लेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो बुक करते समय सबसे पहले मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करता हूं और यहां पे आप लोगों को पासवर्ड और कैप्चर फिल करने की ज़रूरत नहीं होगा। सिंपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब बायोमेट्रिक आप लोग अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहां पे आप लोग, ये बहुत बड़ी अपडेट है आज तक के बारे में बात करेंगे तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में, जिससे कि आप लोग जो तत्काल टिकट बुक करते थे तो पेज आपको लॉग आउट हो जाता था, यानी कि आप लोग दो मिनट पहले, डेढ़ मिनट पहले लॉगिन करते थे, इसकी वजह से पेज लॉग आउट होता था। तो आप लोग यहाँ पे 15 से 20 सेकंड पहले लॉगिन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम आप लोग यहाँ पे पेज जो है लॉग आउट नहीं होगा। इसके बाद सिंपल आप लोग यहाँ पे फॉर्म स्टेशन टू स्टैंड सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद तत्काल कोटा सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको AC टिकट बुक करना है तो आप लोगों को 10 बजे यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है, और इस स्लीपर टिकट बुक करेंगे तो 11 बजे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जिस ट्रेन में टिकट बुक करना है सिंपल आपको क्लास में सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोगों को पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल आपको पहले से ही सेव करके रखना है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको पेमेंट की बात किया जाए तो आप लोगों को UPI से पेमेंट करना है, तो रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फटाफट आपको कैप्चर फिल करना है, कैप्चर फिल करने में आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे UPI सेलेक्ट करना है, इसके बाद फिर भीम UPI, इसके बाद पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे UPI डालने के बाद UPI पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे UPI नंबर डाल के वेरीफाइड क्लिक करना है, इसके बाद पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों के हाथ में दो मोबाइल होना चाहिए। एक मोबाइल से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के टिकट बुक करना है और दूसरे मोबाइल फोन में आपको फोन पे ओपन कर रखना है। जैसे यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो वहाँ पर पिन सबमिट करने के बाद पे पे क्लिक कर देना है। यदि आप लोग एक ही मोबाइल में फोन पे ओपन करके रखेंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करेंगे तो आपको पेज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जिससे टाइम लग सकता है 10-15 सेकेंड, और यहाँ पे बफरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से भी मैं देख रहा हूँ तत्काल टिकट मिस हो जाता है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप लोग तत्काल टिकट फास्ट बुक कर सकते हैं और IRCTC पेज लॉग आउट की जो प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और पेमेंट का भी आप लोगों को इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ये जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर 2-3 मिनट पहले जो लॉगिन कर लेता है उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सर्वर पर ऑलरेडी ज़्यादा लोड हो जाता है। यदि आप 25-30 सेकेंड पहले लॉगिन करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।